सो ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस योर थर्ड एंड फाइनल सेक्शन ऑफ एनमैट 2021 दैट इज लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन। अब हम लोग बात करेंगे आपके लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन की, जो आपका एनमैट 2021 का मेक और ब्रेक सेक्शन साबित हो सकता है। तो सबसे पहले हमें समझना होगा ओवरव्यू ओवरऑल सेक्शन का। तो हमें यहाँ 36 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है इन 40 मिनट्स, मतलब हमारे पास मोर देन अ मिनट टाइम है कि हम सारे 36 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन जो है ये आपका मॉडरेट डिफ़िकल्टी लेवल का रहने वाला है, नॉट टू ईजी एंड नॉट टू डिफ़िकल्ट। तो सबसे पहली बात, मॉडरेट लेवल के क्वालिटी क्वेश्चंस आपको अपने प्रैक्टिस में प्रैक्टिस करना होगे और उन्हें इम्प्लीमेंट करना होगा कि आप डेफिनेटली उनका लॉजिक क्रैक कर पाओ इजीली। तो हमारी कोशिश होना चाहिए जब भी हम प्रैक्टिस करें लॉजिकल रीजनिंग क्रिटिकल रीजनिंग की, तो हमारा फोकस होना चाहिए क्वालिटी लेवल मॉडरेट क्वेश्चंस पर। फिर आप जितनी भी सेक्शनल टेस्ट दे रहे हो, मॉक टेस्ट दे रहे हो, इनमें भी आपको हेल्प होगी। तो सबसे पहले देख लो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है ओवरऑल लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन का। जो 36 क्वेश्चंस आना है तो दो पार्ट में डिवाइडेड है। यहाँ एक नॉन वर्बल रीजनिंग आपका जो पार्ट है जिसमें ट्रेडिशनल लॉजिक और पजल्स पूछा जाता है, और ट्रेडिशनल लॉजिक में इनपुट आउटपुट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लेटर ऑन करेंगे आपके नॉन वर्बल रीजनिंग की, बिकॉज आप ऑलरेडी फैमिलियर हो उन चीज़ों से। पहले हम बात करेंगे क्रिटिकल रीजनिंग की, जिसके लगभग 18 क्वेश्चंस आएंगे आपके आउट ऑफ 36, मतलब 50% मेजर शेयर जो है तो वो रहेगा आपके क्रिटिकल रीजनिंग का। इसीलिए क्रिटिकल रीजनिंग का जो पार्ट है इसे आप कॉन्कर कर लेते हो तो ये आपके लिए स्कोरिंग सेक्शन साबित होगा, या अगर आप इसे थोड़ा निग्लेक्ट कर देते हो अपने प्रिपरेशन में तो आपको ये सेक्शन बैकफायर कर सकता है, आपके लिए जो परसेंटाइल्स और आपका ड्रीम स्कोर है उसे भी हैम्पर कर सकता है। तो कोशिश रहनी चाहिए हमारी कि हमें क्रिटिकल रीजनिंग को एक्सेल करना है एटलीस्ट मॉडरेट लेवल तक। मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाया था, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो, वो एंटायर क्रिटिकल रीजनिंग के प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बनाया था कि आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, राइट फ्रॉम कैट टू सीमैट, तो आपको किस तरह से प्रिपेयर करना है। और मैंने आपको बताया था कि MBA CET और NMAT ये जो दो एग्ज़ाम्स हैं इसमें क्रिटिकल रीजनिंग का बहुत ज़्यादा मेजर शेयर है, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हो, लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो उससे आपको ओवरऑल सिलेबस और ओवरव्यू पता चल जाएगा, बट हम लोग यहाँ स्पेसिफिकली NMAT 2021 की बात कर रहे हैं। यहाँ जो टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ यही सफिशियंट है, इन्हें ही आप प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत अच्छा स्कोर लेके आ जाओगे। और बहुत से स्टूडेंट्स अज्यूम कर लेते हैं कि लॉजिकल रीजनिंग का ओवरऑल सेक्शन बहुत इजी है उनके लिए, तो इजी तो है बट आपको प्रैक्टिस लगेगी, आपको ड्यू जस्टिस देना है सारे टॉपिक्स पर, सारे कॉन्सेप्ट्स को आपको मास्टर करने की कोशिश करना है इन अपकमिंग 3-2 मंथ्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अब हमारा डिस्कशन क्रिटिकल रीजनिंग में। जैसे मैंने आपको बताया टोटल क्वेश्चंस आएंगे आपके 18, तो उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा तो वो 9 मेजर टॉपिक्स से रहेगा। मैंने यहाँ पर लिखा है की टॉपिक्स टू फोकस, तो टॉपिक्स देख लेते हैं वन बाय वन जो आपका टोटल सिलेबस है। सबसे पहला आपका फोकस रहना चाहिए स्ट्रेंथनिंग और वीकेनिंग द आर्ग्यूमेंट। तो ये सबसे बेसिक क्वेश्चन टाइप है क्रिटिकल रीजनिंग का, आर्ग्यूमेंट को स्ट्रेंथन करना, ओके, उसके बाद में वीकन करना। तो ये काफ़ी ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन टाइप है सारे एग्जाम्स में। जस्ट यहाँ आपको एक पैराग्राफ दिया रहेगा और आपसे पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट स्ट्रेंथन द आर्ग्यूमेंट और वीकन द आर्ग्यूमेंट। तो आपको उस हिसाब से जिस टाइप से क्वेश्चन पूछा है ऑप्शन एलिमिनेट करना पड़ेगा, सेंट्रल आइडिया ग्रैप करके आपको सॉल्व करना पड़ेगा कि कौन सा आर्ग्यूमेंट स्ट्रेंथन करता है सेंट्रल आइडिया को या वीक करता है, तो उस हिसाब से आपको सॉल्व करना होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है और बेसिक टाइप है क्रिटिकल रीजनिंग का। उसके बाद में जो ट्रेडिशनल टॉपिक्स है उसमें एक रहेगा आपका स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट। अब यहाँ डिफरेंस है दोनों क्वेश्चन टाइप में, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट में आपको नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स दी जाएगी, मोस्टली दो आर्ग्यूमेंट्स दी जाती है और आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि वेदर द गिवन आर्ग्यूमेंट इज़ अ स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट और अ वीक आर्ग्यूमेंट। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन टाइप है, जस्ट आपको आइडेंटिफाई करना है कि स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट क्या है, वीक आर्ग्यूमेंट क्या है, और आप इजीली इसे आंसर कर सकते हो।
अगले पार्ट की हम बात करें, अगले इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, तो वो है स्टेटमेंट कंक्लूजन। स्टेटमेंट कंक्लूजन भी ट्रेडिशनली पूछा जाता है क्रिटिकल रीजनिंग के एरिया में, और ये भी डूएबल है और कम टाइम में आप इसे एक्सेल भी कर सकते हो। तो स्टेटमेंट कंक्लूजन पर भी आपका फोकस रहना चाहिए। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है स्टेटमेंट अजम्पशन। स्टेटमेंट अजम्पशन भी बहुत बेसिक टाइप है क्रिटिकल रीजनिंग का और एनमेट का वन ऑफ द फेवरेट है। हर साल यहाँ से एक दो क्वेश्चंस देखे ही जाते हैं, तो डेफिनेटली आपकी कोशिश होना चाहिए कि स्टेटमेंट अजम्पशन इसे भी आप प्रिपेयर करो। वैसे भी उतना डिफिकल्ट नहीं है। उसके बाद में स्टेटमेंट इन्फरेंस की बात कर लेते हैं। अब स्टेटमेंट इन्फरेंस जो है तो ये बहुत ज़्यादा फेवरेट है सारी एग्जामिनेशन का। इसकी आपको हेल्प होगी इनडायरेक्टली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी, बिकॉज आरसी में भी हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि हमें इन्फरेंस डिराइव करना पड़ता है। तो जितना ज़्यादा आप स्टेटमेंट इन्फरेंस इन क्वेश्चन टाइप की प्रैक्टिस करोगे, इनका लॉजिक समझोगे, तो आपको आरसी सॉल्व करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के कंपेरिजन में स्टेटमेंट इन्फरेंस का इंडिविजुअल क्वेश्चन सॉल्व करना कभी भी बहुत हमारे लिए इजी और कंफर्टेबल हो जाएगा, बिकॉज हमारे पास लिमिटेड एक पैराग्राफ दिया रहेगा और उसी का हमें इन्फरेंस निकालना है। और यहाँ भी हमारा जो अप्रोच होना चाहिए तो वो ऑप्शन इलिमिनेशन का भी होना चाहिए, बिकॉज आउट ऑफ फोर ऑप्शंस या आउट ऑफ फाइव ऑप्शंस, दो तीन ऑप्शन तो आप ऐसे ही इलिमिनेट कर दोगे जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज रहेंगे, जिनका कोई लेना देना नहीं है आपके स्टेटमेंट से, और जो बचे हुए आपके ऑप्शंस हैं तो उनसे इजीली आप इन्फरेंस कर लोगे। अब यहाँ दो टाइप के क्वेश्चन टाइप स्पेशली पूछे जाते हैं स्टूडेंट से, तो हमें पता रहना चाहिए कि स्टेटमेंट इन्फरेंस जो है तो ये हमें कैसे सॉल्व करना है, और उसके बाद में जो कभी कभी पैराग्राफ के फॉर्म में पूछ लेते हैं इन्फरेंस, उसे कैसे सॉल्व करना है। तो लॉजिक सेम ही है और ऑप्शन इलिमिनेशन के अप्रोच से आप सॉल्व कर लोगे। तो स्टेटमेंट इन्फरेंस जो है तो इस पर भी आपकी मजबूत पकड़ होना चाहिए और डेफिनेटली यहाँ भी आप स्कोर कर सकते हो, और इसका इनडायरेक्ट एडवांटेज आपको आरसी के क्वेश्चन सॉल्व करने में भी होगा, बिकॉज लॉजिक सेम है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा कॉज एंड इफेक्ट। तो कॉज एंड इफेक्ट रेयरली पूछा जाता है, बट इतने ज़्यादा स्लॉट्स में एनमेट की एग्ज़ाम होती है तो देखा जाता है किसी किसी स्टूडेंट्स को यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं कॉज एंड इफेक्ट के। सो डेफिनेटली आपको इसके भी बेसिक्स प्रिपेयर करना है, और ये बहुत इजी टॉपिक है, आप विद इन 2 आवर्स इसे मास्टर कर सकते हो। सो कॉज एंड इफेक्ट को भी हमें इग्नोर नहीं करना है। एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं स्टेटमेंट इन्फरेंस को फिर से। अब स्टेटमेंट इन्फरेंस का मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल बता देता हूँ, सो दैट आप समझ जाओगे कि आपको लॉजिक कैसे कॉम्प्रिहेंड करना है। बहुत रिलेटिव एग्जांपल आपको बता दूंगा। जैसे अगर कोई मूवी रिलीज़ होने वाली है तो फर्स्ट डे है मूवी का, आप थिएटर पर गए, आपने वहाँ पर 5 टिकट ले ली, एक अपनी और एक अपने जो ग्रुप है आपके फ्रेंड्स का, 4 फ्रेंड्स है सपोज़ आपके, तो आपने उनके लिए भी टिकट ले ली वहाँ पर। तो वहाँ पर आपका इन्फरेंस ये था कि आप मूवी की टिकट ले रहे हो तो आपके फ्रेंड्स भी डेफिनेटली आपके साथ मूवी देखने आएंगे, आप उन्हें सरप्राइज़ देना चाहते हो। तो ये होगा इन्फरेंस कि आपने टिकट्स ले ली है और आपने यानी सोच लिया है कि आपके फ्रेंड्स भी आएंगे आपके साथ मूवी देखने के लिए, तो आप इसे इन्फर भी कर सकते हो। यहाँ पे चीज़ें हम अज्यूम भी कर सकते हैं, अज्यूम भी आप सेम पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हो कि आपके फ्रेंड्स आपके साथ मूवी देखने के लिए आएंगे ही आएंगे, अदरवाइज़ आप मूवी टिकट लेते ही नहीं। तो थोड़ा थोड़ा माइन्यूट डिफरेंस है स्टेटमेंट अजम्पशन में, स्टेटमेंट इन्फरेंस में, बट एक बार आप क्वालिटी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हो तो लॉजिक कॉम्प्रिहेंड करना आपके लिए टफ नहीं रहेगा। सो डेफिनेटली आपको अच्छी प्रैक्टिस करना है। उसके बाद में अदर मेजर टॉपिक्स देख लेते हैं, सिलॉगिज्म्स। अब सिलॉगिज्म्स जो है तो एनमेट में इजी लेवल पर पूछा जाता है, ज़्यादा टफ नहीं पूछा जाता। जैसे जो बैंक पीओ की एग्ज़ाम्स हैं, इवन एमबीए सीईटी है, तो वहाँ पॉसिबिलिटी के केसेस होते हैं सिलॉगिज्म्स में, बट एनमेट में सिंपल सिलॉगिज्म्स पूछा जाता है जो आप डिडक्शन के रूल्स से भी सॉल्व कर सकते हो। तो एक दो क्वेश्चंस आते हैं सिलॉगिज्म्स के हर साल और बहुत ज़्यादा डूएबल होते हैं, केकवॉक क्वेश्चंस रहते हैं, तो यहाँ भी आप क्रैक कर सकते हो और हाई स्कोर कर सकते हो। सो सिलॉगिज्म्स भी डूएबल है। उसके बाद में इम्प्लिसिट सेंटेंस की बात कर लेते हैं। इम्प्लिसिट सेंटेंस ये जो क्वेश्चन टाइप है तो ये यूनिक है एनमेट के लिए, कभी ना कभी एक क्वेश्चन इसका पूछा जाता है। तो इम्प्लिसिट सेंटेंस इस क्वेश्चन टाइप की भी बेसिक्स आपको प्रिपेयर करना है और यहाँ से एक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, तो हमें इग्नोर नहीं करना है, एटलीस्ट हमें बेसिक आइडिया होना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है 9th नंबर पे, वो है स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन। अब यहाँ दो टाइप के क्वेश्चन टाइप है,
टू और थ्री स्टेटमेंट्स। अब इससे मेरा मतलब ये है, स्टेटमेंट और कोर्स ऑफ एक्शन के टाइप में आपसे दो पैटर्न से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मोस्टली एनमैट में आपको स्टेटमेंट दिए हैं और कोर्सेस ऑफ एक्शन दो है, कोर्स ऑफ एक्शन दो है, उसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है। कभी कभी हो सकता है कोर्स ऑफ एक्शन वहाँ पर ज़्यादा दिए हो या आपके स्टेटमेंट्स ज़्यादा दिए हो। बेसिकली जो एनमैट का स्टैंडर्ड क्वेश्चन टाइप है स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन का, तो यही है कि आपको दो सेंटेंस दिए हैं और उसमें से आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है कि प्रॉपर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा जो प्रैग्मेटिक रहे, मतलब प्रैक्टिकल रहे। और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि तीन सेंटेंस दिए हैं तो उस पे से भी आपको कोर्स ऑफ एक्शन निकालना पड़ेगा। लॉजिक सिंपल है, जस्ट क्वेश्चन की लेंथ थोड़ी बढ़ सकती है, बट एनमैट में बेसिक लेवल पर अगर आप टू स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन भी प्रैक्टिस कर लेते हो तो उतना भी इनफ रहेगा। तो जितने टॉपिक्स मैंने आपको बताए तो इनमें कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो आउट ऑफ द वर्ल्ड है और बहुत ज़्यादा टफ है और आप नहीं कर सकते। सारे टॉपिक्स डूएबल है, बस बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि आपका हर टॉपिक को लेकर जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर रहे, उसके बाद में नंबर ऑफ़ क्वालिटी क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस किए रहे, और जितने ज़्यादा आप सेक्शनल टेस्ट दोगे क्रिटिकल रीजनिंग के, मॉक टेस्ट में आप रियल टाइम एनवायरनमेंट में सॉल्व करोगे, तो उतनी ज़्यादा आपको फैमिलियरिटी होगी और आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो ये था ओवरऑल टॉपिक, जितना भी हमारे की टॉपिक्स है जिस पर हमें फोकस करना है अंडर योर क्रिटिकल रीजनिंग एरिया। तो ये 9 टॉपिक्स जो है, तो ये आपकी प्रायोरिटी होना चाहिए कि डेफिनेटली इन्हें तो आप एक्सेल करके ही रखो। और लास्ट 5 ईयर्स में इन टॉपिक्स के बाहर किसी भी टॉपिक पर क्वेश्चन नहीं पूछा गया है जहाँ तक बात है आपकी क्रिटिकल रीजनिंग की। तो क्रिटिकल रीजनिंग डूएबल है। अब एक क्वेश्चन उठता है कि क्रिटिकल रीजनिंग पूछा क्यों जाता है एनमैट में और बाकी एंट्रेंसेस में, एनमैट में वेटेज थोड़ा ज़्यादा है। तो इसका लॉजिक सिंपल है, आप लोग फ्यूचर के मैनेजर हो, आप फ्यूचर में MBA बनने वाले हो, ओके, सो आपको पता रहना चाहिए कि आपके पास MBA की डिग्री है, आप किसी MNC में टॉप पोजीशन पर मैनेजर हो, तो आपको डिसीजन मेकिंग वहाँ पर आना चाहिए। आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है, केस स्टडीज़ है, उन्हें स्टडी करके आपको कंक्लूजन डिराइव करते आना चाहिए कि व्हाट इज़ प्रॉफिटेबल एंड व्हाट इज़ नॉट प्रॉफिटेबल। तो आपको देखना चाहिए प्रैग्मेटिकली आप किसी भी सिचुएशन को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो और अपने ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प कर सकते हो जहाँ एज अ मैनेजर आप यानी जॉब करोगे। तो ये इसका बेसिक एक क्राइटेरिया होता है कि डिसीजन मेकिंग स्किल्स आपकी इम्प्रूव हो जाए। तो इसीलिए क्रिटिकल रीजनिंग हमें पूछा जाता है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, जो वर्बल रीजनिंग का पार्ट है तो क्रिटिकल रीजनिंग पर हमें फोकस करना ही है। तो ओवरव्यू हमने देख लिया है क्रिटिकल रीजनिंग के सेक्शन का, जो 18 क्वेश्चंस आने वाले हैं आउट ऑफ 36, मतलब 50% यहाँ पर आपको वेटेज है क्रिटिकल रीजनिंग का, और डेफिनेटली डूएबल है और आप कर सकते हो क्रैक जितने टॉपिक्स मैंने आपको बताए, तो इनकी प्रैक्टिस करो। तो आई होप क्रिटिकल रीजनिंग से अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछो मुझसे, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो आगे बढ़ते हैं, हमारा डिस्कशन कंटिन्यू रखते हैं लॉजिकल रीजनिंग का, और अब डिस्कस कर लेते हैं आपके नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन टाइप। तो नॉन वर्बल रीजनिंग में जितने भी क्वेश्चन टाइप्स हैं इन्हें भी आप नोट करके रखो, बिकॉज ये NMAT's के फेवरेट है और आपको ओवरऑल स्कोर बूस्ट करने में भी हेल्प करेंगे। सो कंटिन्यू करते हैं हमारा वीडियो। सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स डिस्कस नॉन वर्बल रीजनिंग क्वेश्चन टाइप्स ऑफ योर लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन। और यहाँ पर मैं आपको की टॉपिक्स बताने वाला हूँ जिन पर फोकस करके आप हाई स्कोर कर सकते हो, और ये बहुत स्कोरिंग एरिया है। आपको यहाँ पर भी क्वेश्चन सिलेक्शन बहुत वाइजली करना होगा, स्पेशली इनपुट आउटपुट और पजल की जहाँ तक बात है। तो हम डिटेल में वैसे डिस्कस करेंगे, मैं आपको बेसिकली 3 सिनारियो बता देता हूँ कि आप क्या फेस कर सकते हो एक्चुअल एग्ज़ाम में। सबसे पहले आपको यहाँ पर टॉपिक्स दिख रहे हैं, ये हमारे ट्रेडिशनल लॉजिक के टॉपिक है। तो ये जो 9 टॉपिक्स है तो इन पर आपको अच्छी होल्ड रखना है, बिकॉज ये बहुत ईजी है, ईजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है, और यहाँ आपको यानी ऐसी आपकी प्रिपरेशन रखना है कि यहाँ आप लगभग 90-95% क्वेश्चंस जो है वो 100% सही कर लो हाई एक्यूरेसी के साथ। मतलब ये आपका स्कोरिंग जोन है, यहाँ हमें मिस आउट नहीं करना है। जितने भी इजी टॉपिक्स है हम डिस्कस करेंगे वैसे वन बाय वन सारे एरियाज। तो आपको मैं जस्ट अभी सीनारियो बता रहा हूँ। पहला सीनारियो है कि आपको जो ट्रेडिशनल लॉजिक के टॉपिक्स हैं इन पर फोकस करना है, और जो आपके टोटल 18 क्वेश्चंस आने वाले हैं नॉन वर्बल रीजनिंग के पार्ट से, बिकॉज जस्ट हमने डिस्कस किया है क्रिटिकल रीजनिंग से लगभग
18 क्वेश्चन आएंगे, 50% क्वेश्चन वहाँ से हो गए, तो बचे 50% क्वेश्चन जो है तो वो हमारे नॉन वर्बल रीजनिंग के पार्ट से आने वाले हैं। तो वहाँ ट्रेडिशनल लॉजिक का एरिया रहेगा हमारा, जहाँ से हमें मोस्टली सिंगलेट्स क्वेश्चन दिखेंगे, मतलब इंडिविजुअल क्वेश्चंस दिखेंगे। वेन डायग्राम का अगर क्वेश्चन आता है तो वहाँ हमें दो क्वेश्चंस दिख सकते हैं जो बहुत इजी लेवल पर है। और सिनारियो देख लेते हैं, पहला सिनारियो हम डिस्कस कर रहे हैं जहाँ ट्रेडिशनल लॉजिक आपसे पूछा जाए, एक पज़ल पूछा जाए और एक इनपुट आउटपुट पूछा जाए। यहाँ पज़ल और इनपुट आउटपुट भी मैंने मेंशन किया है, यहाँ आपको कुछ लिखा दिख रहा होगा 2:1 रेशियो, तो इसका मीनिंग क्या है वो हम डिस्कस करने ही वाले हैं, बट अभी हम सिनारियो देख रहे हैं। पहला सिनारियो होगा शॉर्ट में कि आपको एक पज़ल पूछा जाए, एक इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन पूछा जाए और मैक्सिमम जो आपके क्वेश्चन है तो ट्रेडिशनल लॉजिक से आए। ये पहला सिनारियो है जो स्टूडेंट्स के साथ होता है, और पज़ल पर 4 क्वेश्चन आते हैं और इनपुट आउटपुट पर 4 क्वेश्चन आते हैं, मतलब 10 क्वेश्चन जो है रिमेनिंग आपके वो यहाँ से आएंगे, बिकॉज टोटल 18 क्वेश्चंस आएंगे आपके, ये हम अज्यूम करके चलते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग के पार्ट से, जो आपका ट्रेडिशनल लॉजिक है वहाँ से मोस्टली। तो अब दूसरा सिनारियो हो सकता है कि आपको ट्रेडिशनल लॉजिक पूछा जाए बट थोड़ा उसका वेटेज कम रहे और मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाए, आपको दो पज़ल पूछ लिए जाए या एक इनपुट आउटपुट पूछा जाए, जो इसका मीनिंग है 2:1 रेशियो, दो पज़ल आपसे पूछ लिए जाए या एक इनपुट आउटपुट आपसे पूछा जाए। और दूसरा जो थर्ड हमारा सिनारियो हो सकता है, तीसरा हमारा सिनारियो हो सकता है, वो ये रहेगा कि आपको ट्रेडिशनल लॉजिक पूछा जाए वैसा का वैसा, और दो इनपुट आउटपुट के सेट्स पूछ लिए जाए और एक पज़ल पूछा जाए। तो वही है 2:1 रेशियो जो है हमारा, एक तो आपको दो पज़ल या एक इनपुट आउटपुट पूछा जाएगा या दो इनपुट आउटपुट और एक पज़ल पूछा जाएगा। तो वैसे इनपुट आउटपुट जो है ये भी ट्रेडिशनल लॉजिक का ही पार्ट है, बट यहाँ हम इसे सेपरेटली कंसिडर कर रहे हैं इन अलाइनमेंट विथ पज़ल्स, बिकॉज दोनों बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। अब यहाँ हमें एक बात ध्यान में रखना है कि अगर दो पज़ल आते हैं और एक इनपुट आउटपुट पूछा जाता है तो यहाँ इनपुट आउटपुट मॉडरेट लेवल का रहेगा, डुएबल रहेगा। दो पज़ल जो है यहाँ हो सकता है एक पज़ल थोड़ा ट्रिकी रहे, थोड़े उसमें नंबर ऑफ पैरामीटर्स ज़्यादा रहे, तो ये एक सिनारियो हो सकता है। ऐसा नहीं होगा कि दोनों पज़ल बहुत ज़्यादा इजी रहेंगे, एक थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। वही अगर इस सिनारियो की हम बात करें कि अगर आपसे दो इनपुट आउटपुट पूछ लिए जाए और एक पज़ल पूछ लिया जाए, तो पज़ल यहाँ पर डुएबल रहेगा और एक इनपुट आउटपुट भी डुएबल रहेगा। एक इनपुट आउटपुट थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, उसे सॉल्व करने में टाइम लग सकता है, आपको थोड़ा लॉजिक कॉम्प्रिहेंड करने में भी टाइम लग सकता है। तो ये बेसिक सिनारियो है जो हमें पता रहना चाहिए कि एक्चुअल जिस दिन आपकी एग्ज़ाम है तो आप इस टाइप के सिनारियो को फेस कर सकते हो। तो आई होप क्लियर है तीनों सिनारियो। एक पहले सिनारियो में बता देता हूँ समराइज करके, ट्रेडिशनल लॉजिक बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा और एक पज़ल और एक इनपुट आउटपुट आपसे पूछ लिया जाए। दूसरे सिनारियो में ट्रेडिशनल लॉजिक का वेटेज थोड़ा कम रहेगा बट आपसे दो पज़ल और एक इनपुट आउटपुट पूछ लिया जाए। और थर्ड सिनारियो में ट्रेडिशनल लॉजिक का वेटेज थोड़ा कम रहेगा और आपसे दो इनपुट आउटपुट और एक पज़ल पूछ लिया जाए। तो ये तीन सिनारियो है, बिकॉज लास्ट ईयर जो स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम्स दी थी तो उनका फीडबैक यही था अलग अलग स्लॉट्स में, और लास्ट ईयर का पैटर्न ही इस साल भी कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। तो हमें अज्यूम करके चलना है कि इनमें से तीन सिनारियो है, इनमें से एक हमें फेस करना होगा। सो हमें मेंटली भी प्रिपेयर रहना है इस चीज़ के लिए और हमारी प्रिपरेशन भी वैसे रखना है। तो अब डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं ट्रेडिशनल लॉजिक को। तो इसमें जो की एरियाज है, तो जो मिस आउट भी हो जाते हैं स्टूडेंट से बिकॉज उन्हें पता नहीं रहते, तो मैंने हर माइन्यूट डिटेल आपके लिए कलेक्ट की है और आपको बताने की कोशिश की है कि आपको किन टॉपिक पर फोकस करना है। पहला टॉपिक है मिसिंग डिजिट इन अ फिगर। एक सर्कल दिया है जस्ट लाइक अ पाई चार्ट, वो चार पांच यानी पार्ट में डिवाइडेड है और ऐसे तीन सर्कल आपको दिए हुए हैं एक साथ। तो दो सर्कल में जो चारों पांचों डिजिट है वो वहाँ फुलफिल किए हुए हैं, एक किसी सर्कल में एक आधा डिजिट मिसिंग है। तो आपको लॉजिक कॉम्प्रिहेंड करना है कि दो फिगर्स जो है उसमें क्या लॉजिक है और उसी को यूज़ करके आपको मिसिंग डिजिट को फाइंड करना है। फिर वो फिगर कोई भी हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, उसी के साथ साथ रेक्टेंगल हो सकता है या कोई ट्रायंगल हो सकता है, तो डिपेंड करता है। बट ये इजी क्वेश्चन टाइप है, बहुत इजी कैटेगरी में आता है, प्रोवाइडेड आप उसका लॉजिक कितने जल्दी क्लिक कर लेते हो। वैसे भी आपको देखना होता है इस टाइप के क्वेश्चन टाइप में कि आपको जो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो भी नंबर्स होते हैं तो इनमें जनरली रिलेशंस निकालना होता है। जैसे आप
जो आपके क्रॉस में नंबर्स हैं उन्हें आप मल्टीप्लाई करोगे और उन्हें ऐड करोगे, इससे कुछ आपका लॉजिक बन जाए। या अगर रोज़ और कॉलम के फॉर्मेट में दिया है स्क्वायर में, तो आपको देखना है कि जो नंबर्स है तो उन्हें आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, या उनके स्क्वायर्स को ऐड करके थर्ड डिजिट आ रहा है, या उनके क्यूब को ऐड करके थर्ड डिजिट आ रहा है, लाइक दैट। सिंपल सीनारियोज होते हैं, बट जितने क्विकली आप कॉम्प्रिहेंड कर लोगे उतनी ईजिली आप इसे आंसर करोगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन टाइप है, कंपेरिजन बेस्ड सिंगलेट। सिंगलेट से मेरा मतलब है इंडिविजुअल क्वेश्चंस, मतलब एक ही क्वेश्चन आएगा यहाँ। तो कंपैरिजन बेस्ड सिंगलेट्स क्या है? अब फाइव फ्रेंड्स हैं, उनके हाइट का कंपैरिजन बताया है हमें, या फाइव फ्रेंड्स हैं उनके वेट का कंपैरिजन बताया है, और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि थर्ड हाईएस्ट हाइट किसकी है, मतलब वो इज़ द थर्ड वन व्हेन इट कम्स टू हाइट। फिर आपसे पूछ सकते हैं उसमें थोड़ा ट्विस्ट करके, असेंडिंग ऑर्डर में बताओ, डिसेंडिंग ऑर्डर में बताओ, लाइक दैट। तो ऐसे सिंपल सीनारियो है तो आपसे पूछा जाएगा। अगर पांच फ्रेंड्स हैं उनके वेट की कंपैरिजन दी जाए तो पूछ सकते हैं हु इज़ द लाइटेस्ट, हु इज़ द हेवीएस्ट, जस्ट लाइक दैट। सिंपल क्वेश्चन, केक वॉक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आपको पता रहना चाहिए ये टाइप भी। उसके बाद में थर्ड है हमारा रैंकिंग्स। जनरली रैंकिंग्स इन अ क्यू जो होता है क्वेश्चन टाइप, तो वही है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, और सिंपल बेसिक्स के साथ भी आप इसे सॉल्व कर सकते हो। सो रैंकिंग्स भी जो है तो एनमेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, रिसेंटली आईएफटी में भी पूछा गया है। सो रैंकिंग अब थोड़ा जैसा क्वांट्स में हम देखते हैं एलिगेशन मिक्सचर्स फेवरेट बन रहा है, तो रैंकिंग भी लॉजिकल रीजनिंग के पार्ट में फेवरेट बन रहा है, तो आपको फोकस करना है इस पर। नेक्स्ट जो है वेन डायग्राम। अब ये जो वेन डायग्राम है इसे हमें कन्फ्यूज़ नहीं करना है सेट थ्योरी के साथ जो हम क्वांट्स में प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ जो वेन डायग्राम है वो बहुत सिंपल नेचर की होती है, जस्ट लाइक दैट आपको यहाँ पर बताना होता है, जैसे कोई एक सर्कल है उसी के अंदर एक ट्रायंगल रहेगा, कुछ पार्ट रहेगा उसमें स्क्वायर रहेगा, और वहाँ पर नंबरिंग रहेगी या अल्फ़ाबेट रहेगी ए बी सी डी ई लाइक दैट, और आपसे पूछा जाएगा। जैसे एक फिगर आपके सामने है तो उसमें दिया रहेगा आपको कि ए इज़ अ डॉक्टर, बी इज़ अ इंजीनियर, सी इज़ अ बिजनेसमैन, ऐसे कोई आपको एलिमेंट्स दिए रहेंगे, और फिर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि आपको वो रीजन बताना है जो इंटरसेक्ट कर रहा है ऐसे रीजन को जहाँ डॉक्टर्स भी है और वो इंजीनियर्स भी है बट वो बिजनेसमैन नहीं है, लाइक दैट। क्वेश्चन कुछ भी बन सकते हैं, मैं आपको हाइपोथेटिकल सिनेरियो बता रहा हूँ। तो वेन डायग्राम का अगर क्वेश्चन आता है तो दो क्वेश्चन आएंगे और ये बहुत ज़्यादा इजी और केक वॉक क्वेश्चन रहेंगे, तो यहाँ भी आपको एम करना है इसे 100% एक्यूरेसी के साथ करेक्ट कर लो। नेक्स्ट जो हमारा एरिया है वो है लॉजिकल पजल्स सिंगलेट। अब यहाँ भी जो हमने जैसे देखा कंपैरिजन बेस्ड के समय सिंगलेट पजल्स आते हैं, यहाँ भी लॉजिकल पजल्स आ सकते हैं, सिंपल हो सकता है वो मैथमेटिकल पजल हो, तो इजी लेवल पर सिंगलेट पजल्स यहाँ पर भी पूछ सकते हैं। मतलब एक ही पजल आपको दिया है, आप अपने मॉक्स में भी देखोगे बहुत बार ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हालांकि मॉक्स में जितना लेंथी लॉजिकल पजल आता है इंडिविजुअल, उतना लेंथी एक्चुअल एनमेट में नहीं आता, एनमेट में डुएबल ही आता है, तो इसका आपको टेंशन नहीं लेना है, और वैसे भी ये बहुत ज़्यादा ईजी है और डुएबल है, तो इसे भी ध्यान में रखो, लॉजिकल पजल्स और मैथमेटिकल पजल। उसके बाद में कोडिंग डिकोडिंग, ट्रेडिशनली वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन टाइप है, और कोडिंग डिकोडिंग में हमें बेसिक लेवल पर लॉजिक समझना है, बेसिक लेवल पर प्रिपरेशन करना है, बहुत ज़्यादा एडवांस हमें प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है। जो न्यू टाइप की कोडिंग डिकोडिंग है स्पेशली IBPS PO एग्ज़ाम में, SBI PO एग्ज़ाम में, या आप MBA CET में भी कभी कभी देख लेते हो, तो उतना हाई लेवल की हमें कोडिंग डिकोडिंग नहीं करना है, जो बेसिक है बस उसी पर हमें फोकस करना है और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। एक बहुत इजी तरीका मैं आपको बता देता हूँ, जो आपके 26 इंग्लिश अल्फ़ाबेट है ए से लेकर जेड तक, तो अगर आपको पोजीशन पता है अल्फ़ाबेट्स की, जैसे A1 है, B2 है, C3 है, D4 है, Z आपका 26 है, तो ऐसे आपको अगर सारे अल्फ़ाबेट्स की पोजीशन पता है रिस्पेक्टिव, तो आप इजीली उसे क्रैक कर सकते हो। जैसे T है तो उसकी पोजीशन 20 है, सो T20 जैसे क्रिकेट का फॉर्मेट है तो आप ध्यान में रख सकते हो। U की पोजीशन 21 है तो अंडर 21, जैसे टूर्नामेंट्स होते हैं, चैम्पियनशिप्स होती है फुटबॉल से रिलेटेड, ओलंपिक से रिलेटेड, तो आप इसे ऐसे ध्यान में रख सकते हो। तो आपकी कोशिश होना चाहिए कि अल्फ़ाबेटिकली आप ध्यान में रखो। एक ट्रेडिशनल फार्मूला होता है EJOT का, जिसमें पोजीशन दी होती है कि E5th पोजीशन पर है, J10 पर है, O15 पर है, T20 पर है, और Y25 पर है, तो ये फार्मूला भी बहुत से स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं और ये
हेल्पफुल भी है। बट स्टिल मेरा सजेशन रहेगा, आपको इंडिविजुअल लेटर्स की पोजीशन पता है तो आप कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस को विद इन सेकेंड्स ईजिली क्रैक कर सकते हो, और एनमेट में तो बहुत बेसिक लेवल पर पूछा जाता है। उसके बाद में बात कर लेते हैं डिरेक्शन सेंस की। डिरेक्शन सेंस भी जो स्टैंडर्ड हमारा फिगर है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का, सो कोई पॉइंट से आप स्टार्ट कर रहे हो, 5 किलोमीटर लेफ्ट गए, फिर राइट टर्न लिया, 15 किलोमीटर गए, ऐसे घूमते फिरते जो आपका फाइनल डेस्टिनेशन रहेगा, तो आपको बस बताना है कि आप स्टार्टिंग पॉइंट से कितने डिस्टेंस के दूरी पर हो, और उसी के साथ साथ आपकी डायरेक्शन क्या है, फाइनल डायरेक्शन आपकी क्या है विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल डायरेक्शन। तो सिंपल लेवल पर जो बेसिक है आपने आई होप प्रैक्टिस किए भी होगे, तो वही क्वेश्चन फॉर्मेट यहाँ आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद में ब्लड रिलेशंस। ब्लड रिलेशंस आप ट्रेडिशनली जानते ही हो, फैमिली ट्री आपको पता है, तो बहुत इजीली आप क्रैक कर सकते हो ब्लड रिलेशन को। और यहाँ कभी कभी कोडेड ब्लड रिलेशनशिप पूछ लेते हैं एक आधे क्वेश्चन में, तो वो भी इजी होता है, तो वहाँ भी हमारी कोशिश होना चाहिए कि ऑप्शन को हम पिक करें और ऑप्शन को एलिमिनेट करें, तो उस मेथड से भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। किसी शॉर्टकट के पीछे लगे रहने से बेहतर है ट्रेडिशनल अप्रोच ही अपनाओ, और जैसे 4 ऑप्शन है तो ऑप्शंस को वेरीफाई करो, जितना अच्छा आपका लक होगा पहले ऑप्शन में आप वेरीफाई कर लोगे कि कोडेड रिलेशनशिप में क्या रिलेशन है 2 पर्सन के बीच में। और वैसे भी आपको मैक्सिमम 3 ऑप्शन ही वेरीफाई करना होगे, बिकॉज अगर 3 ऑप्शन सही नहीं आते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका सही आंसर 4th ऑप्शन होगा, डिपेंड करता है नंबर ऑफ ऑप्शंस पर, तो ये भी इजी क्वेश्चन टाइप है। और ब्लड रिलेशन जो है तो इसका बेसिक्स आपका जितना अच्छा रहेगा, तो हो सकता है आपसे जो पज़ल है तो पज़ल आपसे पूछ लिया जाए सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट विद ब्लड रिलेशंस या लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट विद ब्लड रिलेशन, अगर ऐसे टाइप का कोई पज़ल आता है तो हमें सॉल्व करते आना चाहिए। तो बेसिक जो है ब्लड रिलेशन का, तो ये भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है इंडिविजुअल क्वेश्चन को भी हेल्प करने में और पज़ल को भी हेल्प करने में, सॉल्व करने में, अगर इनके हिसाब से पूछा जाए तो। फाइनली सीरीज़ की बात कर लेते हैं। सीरीज़ जो है वैसे ट्रेडिशनली यहाँ न्यूमेरिकल सीरीज़ हमसे पूछी जाती है, अल्फ़ा न्यूमेरिकल सीरीज़ का जो फॉर्मेट होता है, तो उस हिसाब से हम देखेंगे कि न्यूमेरिकल सीरीज़ का वेटेज यहाँ पर ज़्यादा है, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ उतनी ज़्यादा पूछी नहीं जाती। और वैसे भी जो लॉजिक है सिंपल, जैसे 2 का 4 हुआ, 4 का 8 हुआ, 8 का 16 हुआ, लाइक दैट, यहाँ मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है 2 का, तो सिंपल लॉजिक आप एक ही ग्लांस में कॉम्प्रिहेंड कर सकते हो। और सीरीज़ के यहाँ आपसे 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ट्रेडिशनल लॉजिक का ही पार्ट है हमारा इनपुट आउटपुट। अब इनपुट आउटपुट और सीरीज़ ये थोड़े एनालॉगस है, मतलब जितने इजीली और जितने क्विकली आप इसका लॉजिक कॉम्प्रिहेंड कर लेते हो तो उतने जल्दी आप सही आंसर को फाइंड आउट कर लोगे। तो सिंपल लॉजिक है, सीरीज़ भी अगर आपसे लॉजिक ही कॉम्प्रीमेंट नहीं हो रहा है तो आप 2-3 मिनट उस पर वेस्ट कर दोगे, जो बिल्कुल भी अफोर्डेबल नहीं है, तो हमें स्टक बिल्कुल नहीं होना है। और इनपुट आउटपुट का भी वही सीनारियो है, सबसे पहले आपको आउटपुट देखना है कि आउटपुट आपका क्या है, उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप देखना है कि क्या प्रोसीजर हो रही है वहाँ पे, जो मशीन इनपुट है आपका वो कैसे प्रोसेस हो रहा है, सो दैट वो फाइनल डेस्टिनेशन जो है उसके आउटपुट की वो आपको बता रहा है। तो स्टेप बाय स्टेप आपको देखना होगा कि क्या चल रहा है वहाँ पर, बस सिंपल लॉजिक है। और एनमेट में जैसे मैंने आपको बताया कि एक इनपुट आउटपुट बहुत ईजी आएगा, अगर आपसे 2 इनपुट आउटपुट पूछे जाते हैं तो एक थोड़ा कंबरसम हो सकता है, मतलब उसमें आपको थोड़े एफर्ट्स लगाना पड़ सकते हैं, बट एक इनपुट आउटपुट डेफिनेटली डूएबल रहेगा जिसे आप इजीली क्रैक कर दोगे। सो आपकी कोशिश होना चाहिए जितने आप क्वालिटी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो इनपुट आउटपुट के, प्लस जो भी आप मॉक्स दे रहे हो तो उसमें आप देखो जब भी इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन आपके सामने आते हैं आप कितना उन्हें टाइम लगाते हो, एनालिसिस में देखो कितना आपको वक्त लगता है, और हमेशा देखो कि उसे सही से क्विकली सॉल्व करने का तरीका क्या है, तो वही आपको हेल्प करेगा। तो वही एक सबसे बेस्ट प्रोसीजर है इनपुट आउटपुट को प्रिपेयर करने की, कि डेली आप प्रैक्टिस करो उसकी, जब भी आपको टाइम मिले पर डे 1 सेट सॉल्व करो या 2 सेट सॉल्व करो, तो इस तरह से इनपुट आउटपुट को भी प्रिपेयर करना है, और डूएबल है, ज़्यादा टफ नहीं है। बात कर लेते हैं पज़ल्स की। अब पज़ल्स मोस्टली 3 टाइप के पूछे जाते हैं आपके एनमेट के एग्ज़ाम में, सिलेक्शन बेस्ड पज़ल है, डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड पज़ल है, और मैट्रिक्स बेस्ड पज़ल है। तो इजी लेवल पर है, नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स भी 2 से 3 हो सकते हैं यहाँ पर, उससे ज़्यादा नहीं होगे। नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स से मेरा मतलब है जैसे अ पर्सन बी ही लिव्स इन दिल्ली एंड ही लाइक्स
KKR नाइट राइडर्स। अब ऐसे हम कंपेयर कर रहे हैं लोगों को कि कुछ पर्सन हैं वो किस सिटी से बिलोंग करते हैं और उनकी फेवरेट IPL टीम क्या है। तो लाइक दैट ये तीन पैरामीटर हो गए हमारे, पर्सन भी था, दिल्ली में रहता था, KKR नाइट राइडर्स उसकी फेवरेट टीम है। तो इस हिसाब से आपको पज़ल जो है NMAT के वो ईजी लेवल पर है, ईजी टू मॉडरेट लेवल पर। जस्ट सिंपल टेबल बनाकर आप पज़ल को सॉल्व कर सकते हो। पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन पहले फील करो, बाद में क्लूज को कनेक्ट करो, उस हिसाब से आप ईजीली सॉल्व कर लोगे। पज़ल कैसे सॉल्व करना है इस पर मैंने एक डेमो वीडियो बनाया था और उसमें मैंने IFT का जो वन ऑफ द टफेस्ट पज़ल था उसे लिया था, बिकॉज वो मैट्रिक्स बेस्ड ही पज़ल था और उसमें ब्लड रिलेशनशिप भी थी। तो वो पज़ल के थ्रू मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बताया था कि कितने ईजीली आप पज़ल को सॉल्व कर सकते हो अगर आप नीट एंड क्लीन अप्रोच अपनाते हो और क्लूज़ को कैसे कनेक्ट करते हो, पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन को कैसे फील करते हो और क्लूज़ कैसे कनेक्ट करते हो। जो भी आपको कंडीशंस दी है वो वायोलेट ना हो और वो सही तरीके से फुलफिल हो जाए आपके पज़ल में। तो पज़ल कैसे सॉल्व करना है उसका आप अगर मेरा एक ही वीडियो देख लोगे तो आप पज़ल में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, डेफिनेटली उस वीडियो को याद से देखो और उस वीडियो को शेयर भी करो, बिकॉज जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जिन्हें पज़ल को लेकर फोबिया है तो मेरी उनसे गुजारिश है कि एक बार आप बस वो वीडियो देख लोगे तो आप किसी भी पज़ल को सॉल्व कर लोगे, बिकॉज उसमें मैंने स्टैंडर्ड मेथोडोलॉजी बताई है कि कैसे आपको किसी भी पज़ल के साथ डील करना है। तो वो पज़ल को देख लेना, लिंक उसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो पज़ल भी डूएबल है, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि मैट्रिक्स बेस्ड पज़ल ही रहेगा या सिलेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुपिंग बेस्ड पज़ल हो सकता है ईजी लेवल पर। तो डूएबल है, जितने भी टॉपिक्स हैं ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जिसे मैं ये कहूँगा कि ये बहुत ज़्यादा टफ है। हाँ, मैंने जो तीन सिनारियो आपको बताए उसमें मैंने आपको बताया कि अगर आपसे दो पज़ल पूछ लिए जाए तो एक पज़ल थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, या दो इनपुट आउटपुट पूछ लिए जाए तो एक इनपुट आउटपुट थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। बट टफ मैं किसी भी चीज़ को रेट नहीं करता हूँ और मैं आपसे भी यही गुजारिश करूँगा कि आपका भी एटीट्यूड यही रहना चाहिए कि हर चीज़ डूएबल है, तभी आप कॉन्फिडेंट फील करोगे, बिल्कुल आपको उससे कोई फोबिया नहीं लगेगा, कोई डर नहीं लगेगा और आपकी प्रिपरेशन जो है जितने भी टॉपिक से आप जेस्टफुली प्रिपेयर कर लोगे। तो आई होप जितना भी हमारा डिस्कशन था लॉजिकल रीजनिंग के सेक्शन में, सबसे पहले हमने क्रिटिकल रीजनिंग को डिस्कस किया, उसके बाद में यहाँ पर ट्रेडिशनल लॉजिक और पज़ल्स को डिस्कस किया। तो एक जो बात है वो निकल के आती है सामने कि MBA CET की जो लॉजिकल रीजनिंग है तो मिलता जुलता ही पैटर्न है दोनों एग्ज़ाम का, NMAT का भी और MBA CET का भी। हालांकि NMAT का जो सिलेबस है और जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो बहुत लो है एज़ कम्पेयर टू MBA CET ऑफ महाराष्ट्र। तो आपको फोकस रखना है इन टॉपिक्स को एक्सेल करने में और यहाँ पर भी आप बहुत हाई स्कोर कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ जो हमारा डिस्कशन वीडियो था कैसे आपको प्रिपेयर करना है NMAT के लिए अब आप समझ चुके हो। तीनों सेक्शंस को हमने डिटेल में डिस्कस किया है और जितने पॉइंटर्स मैंने आपको बताए हैं तो ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे ओवरऑल एग्ज़ाम को क्रैक करने में। वीडियो थोड़ा लेंदी है, मानता हूँ मैं बात को, बट इस वीडियो को मैं समझता हूँ आप एज अ वर्कशॉप सेशन लो और इस वीडियो को आप देख लोगे तो डेफिनेटली अपनी जो मॉक स्ट्रेटेजी है उसे भी आप फाइनलाइज कर पाओगे। बिकॉज आप देखो इस वीडियो में मैंने आपको इतनी डिटेल इन्फॉर्मेशन बताई है तीनों सेक्शंस की, जो आप कितने भी मॉक्स दोगे तो भी वहाँ से इतनी लर्निंग एक्सट्रैक्ट करना पॉसिबल नहीं है हर स्टूडेंट को। तो मेरा जो एफर्ट था कि एक ही वीडियो में तीनों जो आपके सेक्शंस है इनका डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन और रोड मैप कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है, एंटायर सिलेबस क्या है, ये आपको समझ में आ जाए। बिकॉज हर टॉपिक पर घुमा फिरा के 5 से 6 वीडियो मैं भी बना सकता हूँ, बट मेरी कोशिश यही है कि एक ही वीडियो में स्टूडेंट को पूरा जो भी एनालिसिस है वो बता दिया जाए, सो दैट वो अपना फ्यूचर का जो टाइम और एनर्जी है वो एग्ज़ाम प्रिपरेशन और सेक्शनल टेस्ट और मॉक टेस्ट पर इन्वेस्ट करें। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ जो NMAT के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। साथ ही साथ आप अगर ये वीडियो YouTube पर देख रहे हो सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब अवर YouTube चैनल एग्ज़ाम कैसल। अगर आप ये वीडियो IGTV Instagram पर देख रहे हो सो मेक श्योर टू फॉलो अवर पेज वो कैप कैसल। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। NMAT पर मैं वीडियो बनाते रहूँगा, इंपॉर्टेंट वीडियोज़ जो है डूज एंड डोंट्स के फ्यूचर में भी आते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन भी हिट करके रख दो
तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यूर NMAT 2021.